नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जेएस भक्ति यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियोस। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अलग टॉपिक पर। जैसे कि आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा, जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के वो 10 टॉप मोबाइल ब्रांड्स और कंपनीज जो इंटरनेशनल मार्केट में टॉप पर है, और इसी वजह से चाइना बहुत ही बढ़िया रेवेन्यू इन मोबाइल ब्रांड्स की मदद से जनरेट कर लेता है। तो कौन से हैं वो मोबाइल ब्रांड्स और कंपनीज, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से मोबाइल ब्रांड्स हैं जो चाइना के हैं, ताकि आगे चलकर यही जानकारी आपके काम में आए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इन सभी ब्रांड्स की। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के फर्स्ट ब्रांड की तरफ, और वो है यूएवी। दोस्तों, ये लीडिंग टेलीकॉम ब्रांड है जो इंडिया में तेजी से चलता है और हमारे सेलफोन मार्केट में भी आगे बढ़ गया है। दोस्तों, अब बात करेंगे सेकेंड मोबाइल ब्रांड की, और वो है शाओमी। दोस्तों, ये एक इनोवेटिव कंपनी है और हाई एंड स्मार्टफोन्स कंस्ट्रक्ट करती है, साथ ही साथ इंटरनेट टीवी, स्मार्ट होम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्ट करने वाली कंपनी है। दोस्तों, इसके मंथली एक्टिव यूजर्स 190 मिलियन है। दोस्तों, इस वीडियो का जो थर्ड मोबाइल ब्रांड है वो है ओप्पो। जैसे कि आप सभी को पता है, सेल्फी के लिए हम सबसे ज्यादा ओप्पो का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका फ्रंट और बैक कैमरा हमें बहुत ही पसंद है और ये भी मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के फोर्थ मोबाइल ब्रांड की जानकारी, और वो है मेजू। दोस्तों, आपने इस मोबाइल का नाम बहुत ही कम सुना होगा, लेकिन ये चाइना में चलता है और इंडिया में भी इसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो अब देखेंगे इस वीडियो के फिफ्थ मोबाइल ब्रांड की जानकारी, और वो है विवो। दोस्तों, इस मोबाइल को भी हम सेल्फी और फोटोज के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, इसके लिए ये मार्केट में ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, लेकिन ये भी चाइना का ही ब्रांड है। दोस्तों, अब बात करेंगे सिक्स्थ मोबाइल की, और वो है कूल पैड। दोस्तों, ये मोबाइल भी चाइना में ही बनाया जाता है, और ये भी अपने प्लेटफॉर्म प्लस कंटेंट प्लस एप्लीकेशन प्लस टर्मिनल एज ए म्यूजिकल इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे सेवेंथ मोबाइल ब्रांड की, और वो है QQ360। ये भी एक चाइना मोबाइल ब्रांड है जो सही में बहुत यूजर्स को पता नहीं होगा। दोस्तों, अब बात करेंगे एट वो मोबाइल ब्रांड की जो आज इंडिया में यूज होता है, और वो है लेनोवो। दोस्तों, ये स्मार्टफोन्स तो आज सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये भी चाइना का ही मोबाइल ब्रांड है, और ये चाइना में तो 8वें नंबर पर है, लेकिन हमारे यहाँ भी इसके ज्यादा से ज्यादा मोबाइल और लैपटॉप्स यूज किए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे इस वीडियो के सेकेंड लास्ट मोबाइल की, और वो है जियोनी। दोस्तों, ये भी एक चाइना का एक ऐसा मोबाइल ब्रांड है जो फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, सोशल नेटवर्किंग, हेल्थ एंड वर्क के लिए लोगों में ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं चाइना का वो लास्ट और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोबाइल ब्रांड, जिसे आज इंडियन यूजर्स जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो है OnePlus। जी हाँ दोस्तों, ये भी चाइना का ही ब्रांड है जिसे हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, और कैमरे के कारण हम इसे खरीदने की इच्छा रखते हैं, और यहाँ पर हमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज मिल जाती है, इसके लिए बहुत सारे यूजर्स इस मोबाइल को यूज करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि आप कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट स्वदेशी है या विदेशी है। जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया मोबाइल्स के बारे में, उसी तरह आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट स्वदेशी है या विदेशी है। और दोस्तों, मैं आपसे एक मैसेज शेयर करना चाहूंगा कि आप इंडिया के ही प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, और इसी लाइन के साथ मैं इस वीडियो का एंड करूंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय।